नेशनल लॉ एंड ऑर्डर कोरोना संक्रमित हो गए। उनके साथ तैनात 8 सिपाही भी कोरोना का शिकार हुए हैं, जिसके बाद अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर का कार्यालय सील कर दिया गया है। हमारे साथ अशोक तिवारी इस वक्त जुड़ गए। अशोक, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, दरअसल बीते दिनों जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है लखनऊ के, उनका जो एक स्टाफ था वो कोरोना संक्रमित पाया गया था, और उसके बाद उसके संपर्क में आए तमाम सारे लोगों की कोरोना जांच करवाई गई थी, जिसमें कुछ लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन बाकी लोग जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खुद जो ज्वाइंट कमिश्नर है लखनऊ के यूपी पुलिस के, उनको फिलहाल होम क्वारंटाइन किया गया है, वो अपने घर से ही काम कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि जितने भी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको लखनऊ के संबंधित हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि इसके बाद लखनऊ पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अलावा लखनऊ में कोई भी पुलिसकर्मी फिलहाल संक्रमित नहीं है। तो फिलहाल स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, और आप देखिए कि लगातार सरकार की तरफ से और संबंधित प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जो लोग भी कोरोना संक्रमण के दौरान अब ड्यूटी कर रहे हैं उनको खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि वो कोरोना के संक्रमण से बच सकें।